सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेज, प्रोटेक्टिव रिलेज। ठीक है, अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन में प्रोटेक्टिव रिले बहुत तरीके से क्लासिफाई हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, कंस्ट्रक्शन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, डेट जनरेशन और डेवलपमेंट फंक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ पीआर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो ये तीन प्रकार से बेसिकली क्लासिफाइड होते हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज। चलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज है, इसको फर्दर हम लोग दो तरीके से और डिवाइड करते हैं। पहला है हम लोग बोलेंगे इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, मैग्नेटिक रिलेस, और जो दूसरा है वो है हमारा थर्मल रिलेस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और जो हमारा थर्मल रिले है, ये इलेक्ट्रो थर्मल करेंट या इलेक्ट्रो थर्मल इफेक्ट ऑफ द एक्चुएटिंग करेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज की बात करें तो ये सबसे पहले ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो टाइप से हैं बेसिकली। एक है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा है इंडक्शन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप से पहले डिराइव हुआ और ये अट्रैक्शन टाइप पे डेवलप हुआ। इसको बोला जाता था अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये जो रिले था, ये आर्मेचर के अट्रैक्शन के ऊपर बेस था। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है एक प्लंजर के बाद, जब हम लोग उसको उस प्लंजर को एक सोलेनोइड में डालते हैं। और जो प्लंजर है वो रिले इंस्टेंटेनियस यूनिट्स के लिए हम लोग यूज़ करते थे, ताकि हम लोग ओवर करेंट या ओवर वोल्टेज कंडीशंस को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो था वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिले था। ठीक है, इसमें अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले। ठीक है, ये एसी और डीसी दोनों में ही बहुत ज़्यादा कारगर साबित था। इनिशियली जो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप का जो रिले था उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इंडक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले था, इंडक्शन रिले, इट वर्क्स ओनली ऑन एसी, इट वर्क्स ओनली ऑन एसी। ठीक है, सो ये था उसका मेन कंसर्न। ठीक है, इसमें ये जो इंडक्शन टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं वो है, जो कि हमारा स्टेबल पार्ट होता है और एक मूविंग पार्ट होता है। जब भी एक एक्चुएटिंग क्वांटिटी एक सर्टेन प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से एक्सीड करती है तो ऑपरेटिंग टॉर्क लगता है उसमें, जो कि मूविंग पार्ट में हो, और जो मूविंग पार्ट है वो ट्रैवल
पार्ट ट्रेवल करता है और कांटेक्ट को क्लोज करता है, एनर्जाइज करता है ट्रिप कॉइल को, ताकि वो सर्किट ब्रेकर को इंडिकेशन दे और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाए, ट्रिप होता है। तो ये दोनों जो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप और इंडक्शन टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉपर, ये दोनों मैकेनिकल फोर्सेस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। मूविंग पार्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं इनपुट क्वांटिटीज में, इसी कारण इनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का नाम दिया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले दो टाइप के हैं बेसिकली। पहला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपका पहला था अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और दूसरा इंडक्शन टाइप। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें थर्मल रिलेज की, तो ये जो थर्मल रिलेज हैं, ठीक है, इनका जो ऑपरेशन, ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण से हो रहा है, और दोनों को कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज को हम लोग पैरेलली भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज। दूसरा टाइप जो है वो है हमारा स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिलेज बेसिकली ऐसे रिलेज हैं जो कि आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इन इस रिले में एक कंपैरेटर सर्किट होता है। क्या होता है? एक कंपैरेटर सर्किट होता है, ये कंपेयर करता है दो या दो से ज़्यादा करंट या वोल्टेजेस को, और एक आउटपुट देता है या तो एक स्लेव रिले या थायरिस्टर सर्किट को। इधर एक स्लेव रिले को भेजता है या थायरिस्टर सर्किट को। ये जो स्लेव रिले है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है जो कि कांटेक्ट को क्लोज करता है। स्टैटिक रिले एक स्लेव रिले कंसिस्ट करता है जो कि सेमी स्टैटिक रिले होता है। रिले जो कि थायरिस्टर सर्किट को कंसिस्ट करता है, वो ही हमारा कंप्लीट स्टैटिक सर्किट होता है। देखो, स्लेव जो रिले होता है वो अल्टीमेटली एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ही है, तो हम लोग इसको स्टैटिक कंप्लीटली नहीं बोल सकते, इसको सेमी स्टैटिक बोलना पड़ता है। लेकिन ऐसा रिले, ये स्टैटिक रिले जिसमें हम लोग थायरिस्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा स्टैटिक रिले है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसका जो बर्डन है सीटीवीटी का, उसमें उतना नहीं रहता, लो बर्डन होता है। इसका एडवांटेज, ये फास्ट ऑपरेशन में आता है, इसमें किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इनर्शिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉन्टैक्ट का ट्रबल नहीं होता, लॉन्ग लाइफ होता है, लेस मेंटेनेंस होता है। तो स्टैटिक रिलेज जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के ऊपर सुपीरियर फाइंड आउट होते हैं, और ये हमारे पावर सिस्टम और सबस्टेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज भी हम लोग पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज को स्टैटिक रिलेज से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक रिलेज एक एडिशनल फैमिली ऑफ रिलेज है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के अलावा हमारे पावर सिस्टम में यूज होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लो कॉस्ट है, और इसका मेंटेनेंस भी है, वो किसी भी लोकल लेवल के मिस्त्री के साथ हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज का। लेकिन स्टैटिक रिलेज के लिए हम लोग स्किल्ड और ट्रेंड पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि न्यूमेरिकल, जो कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का जिसको नॉलेज हो। ठीक है, ये तो हमारा दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन था अगर टेक्नोलॉजी की बेस करें। और तीसरा जो बेसिक है वो है न्यूमेरिकल रिलेज। तो न्यूमेरिकल रिलेज जो है गाइस, अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल रिलेज की, तो न्यूमेरिकल रिलेज ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये हमारा सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है अगर हम लोग एज फार एज दी पावर सिस्टम इंडस्ट्री इज कंसर्न। और ये रिले जो है, ये सिक्वेंशियल सैम्पल्स ऑफ एसी क्वांटिटीज, मतलब न्यूमेरिक डिजिटल डाटा फॉर्मेट को डाटा एक्विजिशन सिस्टम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, एक एल्गोरिथम के थ्रू, जिसमें कि फॉल्ट डिस्क्रिमिनेंट ही मिलके ट्रिप कंडीशन ट्रिप को डिसाइड करता है। न्यूमेरिकल रिलेज जो है
इनका ट्रिमेंडस एडवांसमेंट है VLSI में और कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें। और जैसे जैसे हमारा डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, न्यूमेरिकल डिजिटल डिवाइसेस जैसे माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर, DSP, इनके कारण से ये और ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। एट प्रेजेंट आजकल जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड न्यूमेरिकल रिलेज हैं, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड रिलेज हो रहे हैं। दे आर यूज दे और ये लोग अलग अलग एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग परफॉर्मेंसेस को करने के लिए। ये जो माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड रिलेज हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूमेरिकल रिलेज बोलते हैं, क्योंकि ये इनका जो एल्गोरिदम होता है वो न्यूमेरिक होता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इनको इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेज को हम लोग न्यूमेरिकल रिले बोलते हैं। जो डिजिटल रिले है ये ओरिजिनली यूज कब किया, टू डेजिग्नेट द प्रीवियस जनरेशन रिले विद एनालॉग मेजरमेंट्स एंड डिजिटल कोइंसिडेंसेस, ठीक है, टाइम मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। लेकिन आजकल न्यूमेरिकल रिले जो है वो डिजिटल रिले को रिप्लेस कर चुका है। कभी कभी दोनों को हम लोग पैरेलली लगाते हैं, ठीक है, ठीक। और जैसा कि न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन वाइडली यूज होता है आजकल डिजिटल प्रोटेक्शन के कंपैरिजन में, समटाइम्स बोथ को हम लोग पैरेलल में लगा। जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से जो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, वो हमारे न्यूमेरिकल रिलेज के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स पावर नेटवर्क्स को बहुत ईजिली लोकेट कर सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हमारे ये अवेलेबल है मार्केट में, और कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। फास्ट रिलेइंग एल्गोरिदम है इनमें, करेक्शन बहुत इजी होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। और ये हमारे जो इंटेलिजेंट न्यूमेरिकल रिलेज हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स है, जैसे हम लोग ANNS मतलब हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल, अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स या जो फजी लॉजिक सिस्टम, ये जो है दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव रिसर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट में। और न्यूमेरिकल रिलेज का जो मेन फीचर है वो है इसकी इकोनॉमी, इसकी कॉम्पैक्टनेस और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है, और ये रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेल्फ मॉनिटरिंग इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो इसका एडवांटेज सेल्फ मॉनिटरिंग है, सेल्फ चेकिंग एबिलिटी है, ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस एक साथ हम लोग कर सकते हैं इस पे, लो बर्डन पड़ता है हमारे CTs and VTs में, ठीक है। इम्प्रूव और हमारा स्टैटिक एंड कंपैरेटिव टू स्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इनका जो परफॉर्मेंसेस है, दे हैव हाई परफॉर्मेंस, इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो दिस इज
दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले बेस्ड ऑन दी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ ऑपरेशन। टिल देन थैंक यू।